36वीं पुण्यतिथि पर याद किए गए शहीद निर्मल महतो, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दी श्रद्धांजलि। झारखंड के तमाम दिग्गजों ने शहीद वेदी पर टेका मत्था, लिया सपनों का झारखंड बनाने का संकल्प। मंगलवार को झारखंड आंदोलन के मसीहा शहीद निर्मल महतो का 36वां शहादत दिवस बड़े धूमधाम से मनाया गया, जहां राज्य के मुख्यमंत्री से लेकर तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं ने जमशेदपुर के कदमा उलियान स्थित शहीद वेदी पर मत्था टेका और शहीद निर्मल महतो की शहादत को नमन करते हुए उनके सपनों का झारखंड बनाने का संकल्प लिया। श्रद्धांजलि देने वालों में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, मंत्री चंपाई सोरेन, बन्ना गुप्ता, जोबा मांझी, विधायक सविता महतो, पूर्व डिप्टी सीएम सह आजसू सुप्रीमो सुदेश कुमार महतो, टाइगर जयराम महतो आदि शामिल रहे। बता दें कि 8 अगस्त 1987 को एक बैठक से निकलने के क्रम में जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित चमरिया गेस्ट हाउस के गेट के समीप अपराधियों ने निर्मल महतो की निर्मम हत्या कर दी थी। इसके बाद झारखंड आंदोलन और धारदार हुआ। अंततः झारखंड अलग राज्य का सपना साकार हुआ। तब से लेकर हर साल 8 अगस्त को निर्मल महतो की शहादत दिवस मनाई जाती है। क्या क्या सवाल आप लोग आदिवासी परिवार आज निर्मल का शहादत दिवस है, क्या संदेश देंगे? अपने आप आज का दिन बहुत बड़ा है झारखंडियों के लिए। ये अपने आप में ही आज का ये दिन एक संदेश का ही दिन, यहाँ बोलने और ये करने की भी बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज का दिन कोई झारखंडी भूल पाएगा ऐसा हो। स्थानीय नीति को लेकर, नियोजन नीति को लेकर लगातार आप योजना लेके आ रहे हैं, लोग युवाओं को चेहरे पर मुस्कान आती है, लेकिन मामला न्यायालय तक चला जा रहा है, क्यों, कहाँ? अभी तो नौकरियों में सब बच्चे व्यस्त हैं, सब अपने अपने किस्मत आजमा रहे हैं, अभी कहाँ दिक्कत है। जहाँ दिक्कत थी उस दिक्कत को हम लोगों ने उसका भी एक रास्ता बनाया और आज बच्चों को अपना भाग्य आजमाने का पूरा पूरा चांस मिल रहा है। इंडिया की जो इंडिया वाला वो हार हुआ है, उससे क्या बोला? एक दूर दृष्टि, दूर की राजनीति सोचने वाले शहीद निर्मल महतो जी का आज शहादत दिवस है और कोलाहल के पार्टी के ऑर्गेनाइजेशन ने, छात्र संगठन ने मिलकर यहाँ पर निर्मल डहर, निर्मल के विचारों के डहर पर कदम चलने का ये संकल्प लेने के लिए आज ये कार्यक्रम रखा गया है। राज्य के वर्तमान स्थिति और वर्तमान समय उनके विचारों को तुलनात्मक करके देखेंगे तो इस प्रदेश में और प्रदेश के हालात, उनके विचारों के साथ राजनीति करने वाले दलों का तो अरमान पूरा हुआ लेकिन झारखंडियों का अरमान अधूरा रह गया है। उन झारखंडियों के निर्मल डहर विचार के लोगों के अरमानों को पूरा करने के लिए दूरगामी सोच के साथ जिस आजसू पर कल्पना, जिस आजसू के कल्पना या उसके बारे में जो सोच रखे थे निर्मल दा, आज उसी संगठन ने अपने दायित्व और संकल्प के साथ डहर के माध्यम से, निर्मल डहर के माध्यम से उसे पूरा करने का संकल्प लिया है। साथ ही मैंने यही कहा है कि निर्मल दा को इस प्रदेश में क्रांतिकारी शहीद का दर्जा मिलना चाहिए और साथ ही साथ निर्मल दा के हत्यारे तो पकड़े गए लेकिन हत्या के सूत्रधार का अभी तक पटाक्षेप नहीं हुआ है, ये झारखंड की जनता मांग रही है। कब तक यात्रा चलेगी आपकी? ये इसको आप किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, ये हम लोग के लिए एक गौरव का पल है, उनकी शहादत के कारण ही झारखंड राज्य अलग हुआ है। जो तो राज्य के बनने में अनगिनत शहादत दी गई है लेकिन अगर सबसे प्रमुख शहादत जिसकी चर्चा पूरे देश भर में, जिसकी कारण दिल्ली हिली थी, वो निर्मल दा की शहादत है। तो आज निर्मल दा की शहादत के कारण ही अलग झारखंड राज्य अलग हुआ है। तो सबसे पहले सरकार से हमारी मांग होगी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के माध्यम से कि निर्मल दा की स्टेचू एक विधानसभा परिसर में लगे और साथ ही साथ उनका जीवनी सिलेबस में हो। एनआईए जांच के माध्यम से अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई उनके हत्या का कारण, एनआईए जांच की गठित हो और राज्य सरकार इस पर अनुशंसा करे केंद्र को और साथ ही साथ उन्हें शहीद का दर्जा मिले, इसकी मांग करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज वायरल, बिहार झारखंड।